ओके लेट्स गो। वेल एक्चुअली ये समर फंक 2 है जो मेरा एकेडमी में कोई भी है 4 साल से 80 इयर्स ओल्ड का बच्चा डांस कर सकता है, पर आज स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मेरा दोस्त विक्रम फटनेस, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड फैशन ऑब्वियसली डिजाइनर, बट नाउ अ डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म कॉल्ड रुद्यांतर। सो फॉर मी विक्रम कमिंग हियर एंड हिज कास्ट कमिंग हियर इज लाइक एन ऑनर फॉर मी बिकॉज ये पिक्चर बहुत बेहतरीन है और ये मराठी फिल्म है और रीजनल थिएटर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वॉन्ट विक्रम टेक ओवर एंड टॉक अबाउट रुद्यांतर। हम लोग के लिए तो सोनाली नित्य और मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हमारे प्रमोशंस अभी शुरू हुए हैं। हमने हमारी प्रमोशंस पूना के समर फंक में चालू की थी। मेरा और शामक का रिश्ता काफ़ी कुछ 25-27 साल पुराना है और हर समर फंक में अगर मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ना हो मैं हमेशा जाता हूँ। भले उसका यस शो हो, सेलकूट शो हो, जो भी उसके शोज़ हुए हैं इन्होंने आईफा अवार्ड्स के, मेरा और इन शामक दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत ही खास है क्योंकि शामक ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है रुद्यांतर को एडवर्टाइज करने के लिए, तो हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। विक्रम फटनेस के लिए मैं किया, मैं जिंदगी में नहीं करेगा ये। विक्रम फटनेस बोला प्लीज़ आओ। आई सेड आई एम सॉरी, आई एम नॉट कमिंग इन द मूवी, आई विल कोरियोग्राफ इट फॉर यू, जस्ट 2 लाइंस 5 लाइंस। आई सेड पर मुझे क्यों लाया यार, इतनी बेहतरीन एक्टिंग उसने किया, आप देख लो फिल्म। वो इतना मीन है। नहीं नहीं, पर ऑनेस्टली रुद्यांतर हमारे लिए नहीं, भले शामक के लिए जाओ पर प्लीज रुद्यांतर देखने जाओ, शामक और उसके पूरे 7 जुलाई। 7 जुलाई रुद्यांतर, 15 दिन बचे हैं, प्लीज जाओ। एवरीवन यू हैव टू सी रुद्यांतर। इट्स अ वेरी टचिंग थिंग दैट द डायरेक्टर विक्रम फटनेस हैज एक्चुअली ऑनर्ड आवर एकेडमी, द शामक दावर एकेडमी, एंड दैट इज अ शॉक एंड व्हाट अ मैसेज ऑफ अ फिल्म। द मैसेज इज फिनोमिनल, सो यू हैव टू गो एंड सी रुद्यांतर। And Vikram Fatnis, thank you so much for being such thank a friend you, and a thank director. You for having us today in the beginning of the promotions. Hamit, hamari to khushnaseeb bhi hai ki hame yahan bulaya gaya, humne Pampuna bhi gaye the aur jahan pe waise Shamak ke students ne jo response diya was just unbelievable. And lovely acting, phenomenal acting, and the children also are fantastic. So mera rudayantar ka mera jo एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने शामुक जी के बहुत डांस परफॉर्मेंस देखे, लेकिन शामुक जी को कभी लाइव में देख सकूंगी ऐसे मैंने सोचा नहीं था, और रुद्यांतर से मुझे उनको देखने को मिला, उनके साथ काम करने को मिला। सो मुझे रुद्यांतर से बहुत कुछ सीखने को मिला, विक्रम सर, शामुक सर, ऋतिक सर, फराह मैम एंड ऐश्वर्या मैम और बहुत से मनीष सर, इनके सब के साथ मुझे काम करने की संधि मिली, तो थैंक यू सो मच। जैसे विक्रम ने कहा कि इट्स बीन रियली एन ऑनर टू हैव शामक विद अस विद दिस फिल्म, एंड ऑफ कोर्स कि हमें आज यहाँ पे आने का मौका मिला, हमारी फिल्म के बारे में बात करने का मौका मिला, सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड आई रियली विश कि मुझे भी थोड़ा डांस करने का इस फिल्म में मौका मिलता। बट यस, ही इज़ डन अ फैब जॉब एज ऑलवेज एंड मोर देन दैट ही इज़ अ वेरी लवली पर्सन, दैट होल पॉजिटिव एनर्जी ऑफ हिज इज आई थिंक गोइंग टू हेल्प अस टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पीपल टू द थिएटर। सो आई रियली thank him for giving a chance to promote our film here. Thank you so lovely much. Lovely actors, fabulous director, fabulous film. Aur climax ka concert jo Shamak ne kiya hai, you have to see it, how brilliantly he's done it. Aur kis tarike se promotion dekhne wale ko bhi aaj bola pune gaye aur baaki aap idhar pe aaye hain dhyan kar abhi 15 din hi bache hai to aane wala hai India. Abhi kuch naya nahi, it's just from morning to night hum log ne sabko distribute kiya hai। मुक्ता कहीं और कर रही है, सोनाली कहीं और कर रहे हैं, बच्चे कहीं और कर रहे हैं, शामक दावर के फंक्स समर फंक्स में, तो आई थिंक एवरी डे वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। वी हैव 2 वीक्स लेफ्ट फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म। रुद्यांतर 7 जुलाई 7 जुलाई 7 जुलाई 7 जुलाई, 7 लकी नंबर 7। या बस दैट्स इट, माय प्रमोशन इज डन, थैंक यू। Isaac Newton, I'm the 5th law of motion right now. Take a Imodium. Okay. So let's invite on stage. First, please make some noise, parents. Are there Pune parents here?
Jai Maharashtra. So, let's call on stage Mr. Shamak Dabar, the director, Mr. Vikram Fatnis, the lead cast of Rudyantar. Please come on stage. Mr. Dabar's debut in Marathi films. And he spoke such wonderful Marathi. If you want to hear it, he'll sing for you. You want to hear Shamak sing in Marathi? Hear him sing. Please. Gajanana re gajanana, tujhse chathrave paaye. Sankat kali bhiti chaveli, nahi re dusra upaye. Apple fall on your head. Jump. Anisha, you didn't let them come in the center. You didn't give it to them in the center. You just shoved the flowers there. No, I was singing, but they couldn't. Guys, but before we move ahead, I'm a little upset. I've been here for the last 2 hours. And I have to say this because I'm really upset about what has happened today. I saw so many acts and everybody said something has inspired them. We saw audiovisuals. We saw, some people said, I heard Marzi Anisha say, and the next act does not need any introduction of this legend. And it was Bruce Lee. And legends are not about people who are gone. Legends can also be living. And we have one on the stage right now. I don't think it's not about what I saw on stage is exceptional. Summer Funk is about a small duration about what Shamak's batches teach. I've been associated with the Shamak Dabar Institute for the Performing Arts over the last 25 years. I think ever since its inception. I have 2 left feet and I can't dance, but I believe in the faith of Shamak Dabar and his institute. For everything that it takes and for everyone he has made move over the last so many years, ever since its inception, I think one huge round of applause for the living legend Shamak Dabar. He truly deserves it because I've been doing costumes in Hindi films over the last 25 years and I've worked with, I think, practically every celebrity or every person that it takes in Indian cinema. But one energy that, and I have to tell you one thing, that I've never done a film with Shamak. I have never done a costume in a film where Shamak has choreographed. But let me begin to tell you, without having done that, one man who I believe in, one man who I feel is a 5 a.m. friend. I'm not talking about Shamak Dabar, the dancer, Shamak Dabar, the performer. I'm talking about Shamak Dabar, the person, the soul that behind these two names called Shamak Dabar. His mother's sitting right here, and I think she should feel immensely proud. Generations have come. People, parents have put their kids in the Shamak Dabar Institute. Their kids have put their kids in the Institute. But one thing I've learned about these people who, like all these performers that you saw, from age, I think, 5 to age 80, I think every single person has not come here to prove that they can dance, has come here to prove that they have a soul and they have a heart, which Shamak gives them the faith in. Parents, thank you for that, for bringing them here. And you know, there are so many people who say, no, you know, we don't want to put our child in a dance class. We'd rather send them for tuitions. You know, we want our boy or a girl to become so-and-so. No. Shamak is a brand which is a worldwide brand. I'm going to take this time because I have to say it. Worldwide, I mean, I've traveled across the world. We've done so many IFA awards. He's been a part of so many celebrations as far as dance festivals, as far as music concerts go. But people don't want Shamak Dabar just because he's par excellence in his profession and he knows the master of the craft. People want him because they know their children tomorrow will grow to be better human beings and even better dancers someday. You've done a very sweet pass. Having said that, I directed my first film this year. It's a Marathi film which is subtitled, obviously. What you saw was not subtitled, but my film is subtitled for everybody who doesn't understand the language of Marathi. And I've always believed that art and craft has no medium, has no language.
you can go to a cinema hall and see a French film, a Korean film, a Japanese and English. If you walk out of that auditorium with understanding what the director wanted to tell you, half the battle is already won. Exactly.